नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पीओके इंडिया का इंटीग्रल पार्ट था, है एंड रहेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चाहे पाकिस्तान इस चीज को रिजेक्ट करे, माने न माने, हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब यूएई जैसा मिडल ईस्ट देश इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है तो इसका वजन अपने आप में बढ़ जाता है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि एक्चुअल में मामला क्या हुआ है एंड इसके साथ साथ इंडिया यूएई रिलेशनशिप के बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। नाउ आपने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा, जो कि G20 के दौरान अनाउंस किया गया था। इसको लेकर यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सैफ बिन जायद ने एक वीडियो रिलीज की अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, जिसमें यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूएई के प्रिंस की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। वे कहते हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई डोंट थिंक वी वुडेंट बी हियर इफ वरंट फॉर यू। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं होते। और ये आगे लिखते हैं कि व्हाट द यूएस प्रेसिडेंट सेड टू हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद व्हाइल अनाउंसिंग द इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट टू कनेक्ट इंडिया विद द मिडल ईस्ट एंड यूरोप। तो इस वीडियो के अंत में हम देखते हैं कि ये वाला जो मैप है वो शो किया जाता है, जिस मैप में पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान और एक्साइ चीन हमारा इंटीग्रल पार्ट दिखाया जाता है, क्योंकि ये मैप बेसिकली इंडिया के द्वारा ही रिलीज किया गया था। सो इस मैप को ही पोस्ट किया जाता है यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। सो इसी न्यूज को लेकर पाकिस्तान से खबर यह आती है कि पाकिस्तान मिफ्ट ओवर यूएई इंक्लूडिंग पीओके इन इंडिया इन मैप ऑन न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके साथ साथ कई जो मीडिया हाउसेज है वो ये भी छापते हैं कि डिप्लोमेटिक विक्ट्री है इंडिया की, यूएई ने रिकॉग्नाइज किया है पीओके एज पार्ट ऑफ इंडिया इन G20 वीडियो इन ए मेजर स्नैप टू पाकिस्तान। इसके साथ साथ पाकिस्तान का एक मीडिया हाउस है प्रो पाकिस्तानी, उसके द्वारा यहाँ पे खबर छापी जाती है कि यूएई ने रिकॉग्नाइज किया है गिलगित बाल्टिस्तान एंड कश्मीर को एज पार्ट ऑफ इंडिया इन G20 समिट वीडियो। सो दैट इसके बाद पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स के स्पोक पर्सन हैं मुमताज जहरा बलूच, उनके द्वारा स्टेटमेंट आती है कि देखिए पाकिस्तान सीज द यूनाइटेड नेशंस एज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ द नेशन स्टेट एंड इसके साथ साथ कोई भी मैप शोविंग द इंटायर जम्मू एंड कश्मीर पार्ट ऑफ इंडिया इज लीगली अनटेनेबल एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट। सो ये कहते हैं कि फैक्चुअली ये इनकरेक्ट है एंड वी होप दैट आवर इंटरनेशनल पार्टनर्स विल पे ड्यू अटेंशन टू दीज फैक्ट्स। अर्थात ये यूएई को कहते हैं कि आप इस चीज के ऊपर अटेंशन कीजिए कि ये जो है कि एक डिस्प्यूटेड, इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड मामला है, तो आप इसको रिकॉग्नाइज मत कीजिए। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता हमको इस चीज से, वो अपना स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं। अब देखिए इसी जो न्यूज कटिंग के नीचे एक कमेंट था यहाँ पे किसी पाकिस्तानी यूजर का था। सो यहाँ से इस कमेंट से हमको इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी साफ साफ नजर आती है। ये कहते हैं कि पाकिस्तानीज आर इन लॉन्ग डिनायल, दे बिलीव दैट ऑल इस्लामिक कंट्रीज आर यूनाइटेड एंड पाकिस्तान इज लीडिंग देम। इवन इफ यू मीट सम पीटीआई फॉर पीटीआई, बेसिकली इमरान खान की पार्टी है एंड दे हैव डिक्लेयर्ड इमरान खान एज लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लगता है कि जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है वे सब यूनाइटेड हैं और हम उसका जो है कि यहाँ पे लीडर है, एक प्रकार से लीडरशिप हमारे पास में है। बट जो रियलिटी है वो इनसे कोसों दूर है। रियलिटी इज दैट अरब कंट्रीज लाइक यूएई आर कोलूडिंग विद इंडिया। मीन्स ये कहते हैं कि यूएई और इंडिया की मिली भगत है और वे बाईपास करते हैं पाकिस्तान को बाई ऑल मीन्स। ऑल्सो अरब गिव्स ए डैम अबाउट पाकिस्तान नाउ, इट मीन्स पाकिस्तान के ऊपर लानत है, बट वी आर स्टिल स्लीपिंग एंड विल रिमेन लाइक दैट। तो देखिए पाकिस्तान के यूजर खुद ये इस चीज को महसूस करते हैं कि हाँ पाकिस्तान अभी भी सो रहा है, सपने ले रहा है कि हम लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज के यहाँ पे लीडर हैं और ये वो सब चीजें, बट ऐसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। और यही हमको देखने को मिला G20 समिट के पहले, जब सऊदी अरब के जो प्रिंस थे मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने डेफर कर दिया पाकिस्तान की विजिट को, कैंसिल कर दिया और G20 समिट के अंदर पार्टिसिपेट किया, भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए, उनका जो सेरेमोनियल वेलकम भी हमारे द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ में भी हमारे जो रिलेशनशिप है वो काफी बेटर है। अब हम बात करेंगे यूएई के बारे में, राइट, इंडिया एंड यूएई रिलेशनशिप के बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर तो आप चैनल पे नए आए हो एक सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना।
तो देखिए इंडिया एंड यूएई दोनों कंट्रीज यहाँ पे एंजॉय करती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप जो कि बेस्ड है ऑन द एज ओल्ड कल्चरल रिलीजियस एंड इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द टू नेशंस। और हमारे जो संबंध है उनकी शुरुआत 1966 में होती है जब एचएच शेख जायद बिन सलमान जो सुल्तान बने थे सऊदी अरब के अबू धाबी के, और उसके बाद में जब 1971 के अंदर यूएई को फेडरेशन घोषित किया जाता है, क्रिएशन में होता है इसका फेडरेशन के रूप में, तब से हमारे जो संबंध है वो और भी ज्यादा फले एंड फूले हैं। सिंस देन तब से ही बोथ साइड हैव मेड सिंसियर इफोर्ट्स टू इम्प्रूव रिलेशनशिप इन दी ऑल फील्ड्स। तो दोनों तरफ से काफी प्रयास किए गए हैं कि हमारे जो संबंध है वो बेटर से बेटर होते रहें। इसके साथ साथ द यूएई होल्ड्स सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया इन इट्स लुक ईस्ट पॉलिसी। तो यूएई की तरफ से एक पॉलिसी अपनाई जाती है दैट इज दी लुक ईस्ट। अब जब यूएई देखता है ईस्ट में तो उनको नजर आता है सबसे पहले भारत, और हम लोग जब वेस्ट में देखते हैं मिडिल ईस्ट में हम लोग देखते हैं तो हमको नजर आता है यूएई एंड सऊदी अरबिया जैसे देश। तो उनमें यूएई अपना खास इंपॉर्टेंस रखता है। एज द यूएई लुक्स ईस्टवर्ड टू एक्सपेंड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ इट फाइंड इंडिया एज ए न्यूट्रल पार्टनर ड्यू टू इट्स रैपिडली ग्रोविंग इकोनॉमी लार्ज कंज्यूमर मार्केट एंड स्किल्ड वर्क फोर्स। तो देखिए इंडिया की तरफ से मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये 3.4 मिलियन लोग इंडिया के जो हैं यूएई के अंदर काम करते हैं एज वर्क फोर्स, एंड यूएई के लिए इंडिया जो कि एक ह्यूज कंज्यूमर मार्केट के रूप में भी है, और हमारी जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं यूएई को अट्रैक्ट करता है। और जब हम देखते हैं वेस्ट की तरफ तो लुक वेस्ट पॉलिसी के तहत हमको यूएई एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर नजर आता है इन दी वेस्ट एशिया। इंडियाज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट विद यूएई हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इन रिसेंट टाइम्स, क्योंकि बहुत सारी विजिट हुई है उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, कई सारे पैक्ट साइन किए गए हैं एंड द टू कंट्रीज हैव एस्टेब्लिश्ड ए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। एंड द यूएई सर्व्स एज ए विलिंग पार्टनर इन इंडिया इन एफर्ट्स टू एनहेंस इकोनॉमिक एंगेजमेंट एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द गल्फ रीजन। विद द यूएई लुक ईस्ट अप्रोच अलाइन विद इंडियाज लुक वेस्ट पॉलिसी द टू कंट्रीज फाइंड म्यूचुअल बेनिफिट्स इन एक्सपेंडिंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी कोलेबरेशन। तो देखिए ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीजें होगी, टेररिज्म को टैकल करना है, तो दोनों कंट्रीज ने म्यूचुअल बेनिफिट अपना देखा है। और देखिए जहां म्यूचुअल बेनिफिट होगा तो वहीं पे चीजें आगे बढ़ेंगी, वहीं पे चीजें ग्रोथ कर पाएंगी। सो एक की प्लेयर के रूप में हम लोग देखते हैं इंडिया को, मिडिल ईस्ट इंडिया को देखता है की प्लेयर के रूप में, राइट। दूसरा पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट विजिट की देखिए मैं अगर बात करता हूँ, ये 2011 में हुई थी, नवंबर 2011 में, बीजेपी के आने से पहले, एनडीए के आने से पहले, जब यूएई के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं यही जो सैफ बिन जायद जिनके द्वारा ये वीडियो रिलीज की गई है, ये भारत में आते हैं और उसके बाद में कोई भी विजिट नहीं होती है 3-4 सालों तक। बट उसके बाद 2015 में, जब 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जाते हैं यूएई की विजिट के ऊपर, राइट। उसके बाद 2018 में भी, 19 में भी, 20 में भी, सॉरी 22 में, और अब आई थिंक जुलाई 23 के अंदर भी सीएम मोदी जी ने वहां पे फ्रांस के साथ में विजिट किया था, राइट। जब फ्रांस में उनको मेडल वगैरह मिले थे तब उन्होंने विजिट किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूएई के क्राउन प्रिंस है वे 2016 में भारत आते हैं, फिर 2017 में भारत आते हैं, बट उसके बाद से कोई आधिकारिक यात्रा नहीं हुई है। हालांकि जो वर्चुअल मीटिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा होती रही हैं हमारे मिनिस्ट्रियल लेवल के ऊपर भी एंड प्रेसिडेंशियल लेवल के ऊपर भी, राइट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों के जो संबंध है वो दिन प्रतिदिन बेटर होते हैं। तीसरा हम बात करते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो देखिए इंडिया के लिए जो यूएई है वो तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा है इस फिस्कल ईयर में। हालांकि देखिए हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो हम कह सकते हैं कि 20 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का है, माइनस में हम लोग चलते हैं क्योंकि हम लोग ट्रेड इंपोर्ट ज्यादा करवाते हैं एंड एक्सपोर्ट हम लोग कम करते हैं। इस अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो 77.664 बिलियन डॉलर का ये हमारा ट्रेड है दोनों के बीच में। अगर हम लोग एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो यूएई सेकंड नंबर पे है, हम लोग सेकंड, हमारे लिए सेकंड ऐसी कंट्री है जहां पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, 28.76 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। एंड इंपोर्ट की भी बात करते हैं तो चाइना के बाद में सेकंड इंपोर्ट करवाने वाला देश भी हमारे लिए यूएई है, अर्थात यूएई से हम लोग
8.88 बिलियन डॉलर का सामान मंगवाते हैं। तो इस प्रकार से जो फिस्कल डिफिसिट है, हालांकि वो ज्यादा है, ये 20 के आसपास में है, बट स्टिल फिर भी हमारे जो पार्टनरशिप में हम देखते हैं तो यूएई तीसरे नंबर पे अभी भी बना हुआ है। तो कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज को आप देख सकते हो, और इस बात से आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि यूएई के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है। एक ह्यूज मार्केट प्रोवाइड करवाता है इंडिया यूएई को, वो अपना सामान यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपने सुना होगा इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में, जिसको सेपा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सेपा जो है कि अनाउंस किया गया था, आई थिंक 2017 में जब ये आए थे ना भारत, इनके जो क्राउन प्रिंस भारत आए थे तब अनाउंस किया गया था, लेकिन ये स्टार्ट होता है 1 मई 2022 से, ठीक है, लागू होता है 1 मई 2022 से, ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। एंड इसका टारगेट ये है कि 2030 तक हमारी जो ट्रेड है दोनों का, उसको 100 USD तक पहुंचाया जाए, 100 बिलियन USD तक, राइट। क्योंकि अभी आपने देखा वर्तमान में कितना, 77 पॉइंट समथिंग था, लेकिन इसको 2030 तक हमें बढ़ा के 100 USD तक करना है। इसके साथ साथ जो कल्चरल एंड डायस्पोरा की हम बात करते हैं, तो 3.4 मिलियन इंडिया के जो लोग हैं, जो एक्सपेट्रेट हैं, वो वहां पे रिजाइड करते हैं, काम करते हैं वर्क फोर्स के रूप में। और हालांकि कई बार कुछ हमको तकलीफ सुनने को मिलती है कि हमारे जो वर्क लेबर वहां पे जाती है जो काम करने के लिए, उनके साथ में जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं हो पाता है, उनका जो वीजा वगैरह है वो जब्त कर लिया जाता है, एंड कई बार कई प्रकार की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए दोनों कंट्रीज ने मिलकर कोलेबरेशन के साथ में ग्रीवेंस रिजेडरल मैकेनिज्म को भी बूस्ट किया है फॉर द इंडियन वर्कर्स इन यूएई, और हमारे जो कल्चरल एग्रीमेंट है वो 1975 से ही चल रहे हैं दोनों देशों के बीच में। तो कुछ चैलेंजेज हैं, जैसे कि स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज्यादा स्लो है, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इश्यू कंसर्निंग द इंडियन डायस्पोरा, जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ हमारे जो नेशनलिस्ट हैं वो वहां पे काम करते हैं, तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं, कम पेमेंट में उनको काम करवाया जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ द पाकिस्तान फैक्टर, तो पाकिस्तानी फैक्टर तो इन्वॉल्व इसलिए होता है कि पाकिस्तान जो कि ईरान से थोड़ा सा आपको पता है, अब क्योंकि देखिए इस चीज को बैलेंस करके चलना पड़ता है जियोपॉलिटिक्स में। अब हम लोग हमारे संबंध देखते हैं जब ईरान की तरफ तो ठीक है, बेटर है, इसी तरीके से यूएई जब अपने संबंध देखता है चाइना के साथ में, तो उनके भी कहीं ना कहीं फिर लिंक नजर आते हैं। सो कहीं ना कहीं इस चीज को भी बैलेंस करना पड़ेगा हमको, कि ईरान का फिर यूएई के साथ में देखते हैं तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रहा है, सो दैट इस चीज में थोड़ी सी डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। एनर्जी प्राइसिंग की बात करें, ओपेक कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो यूएई ओपेक का पार्ट है, लेकिन जिस तरीके से ओपेक प्राइसेस को राइज करता है, हाइक करता है, तो यूएई उसके अंदर शामिल होता है। तो कहीं ना कहीं फिर इंडिया जो कि कैप लगाता है प्राइस के ऊपर, उस चीज को यूएई नहीं मानता, तो वहां भी डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो एयर सर्विस एग्रीमेंट है उसमें भी डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ चैलेंज है स्टिल, उनको अगर हम लोग टैकल कर लेते हैं तो बेटर रिलेशनशिप हम लोग इंजॉय कर सकते हैं यूएई के साथ में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ में, जैसे कि ओमान है, सऊदी अरबिया है, यूएई है ना, तो ये चीज है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ये मामला था। सो आगे बढ़ने से पहले सॉरी